हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं ये कहूँ कि जो सीटेट में आपके आने ही आने हैं और हर साल आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कलेक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और उन टॉपिक्स को साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा भी और उनकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उनको सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है, मतलब एक धमाका वीडियो है जो कि आपको सीटेट में 100% पास कराएगी और इस बार आपका सीटेट 101% निकलेगा ही निकलेगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से फटाफट से आप एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आप इसको भूलो ना और बाद में इसका रिवीजन भी कर सको। एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, जो मैं बोलूंगा वो भी नहीं, लिखा हुआ तो है ही लेकिन जो मैं बोलूंगा वो भी पॉइंट आपको नोट करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते टाइम को। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से और बेल आइकन को साथ में दबा लेना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों का और दूसरे लोगों का जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो सके, इसलिए शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक मैं आपको टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। फर्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की, अधिगम अक्षमता की, जो कि ऐसा टॉपिक है जो आपका सीटेट में आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। मतलब इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके गारंटी से आने ही आने हैं। अब इसके अंदर जो है आपके कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो हमारे मुख्यतः तीन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, कौन कौन से, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इसके 8 प्रकार, क्योंकि वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और उनसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, जब उसके अंदर है तो बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 पूछे जाते हैं, ये हम सबको पता है। और उसके साथ में इनके आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि उसको कैसे याद रखना है। वैसे ट्रिक मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, देखिए डिसलेक्सिया जो होता है वो आपका पठन से संबंधित अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जब बच्चा जो है किसी भी शब्द को या किसी भी लाइन को पढ़ने में अक्षम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको एक्सप्लेनेशन से किसी दिन लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम उसके उस टाइप को बात कर रहे हैं जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है वो आपकी डिसलेक्सिया होती है। उसके बाद डिसग्राफिया होती है आपके लेखन से संबंधित, यानी कि लिखने में अगर किसी बच्चे को कठिनाई है, प्रॉब्लम है, तो वो आपकी किसके अंदर आ जाती है, डिसग्राफिया के। डिसकैलकुलिया आपकी गणित से संबंधित होती है, कैलकुलेशन से ही नाम वर्ड बन रहा है। अफेजिया आपकी भाषा से संबंधित होती है। अलेक्सिया आपकी पठन से, यानी कि ये भी पठन से संबंधित है और डिसलेक्सिया भी, तो इन दोनों में फर्क क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए ये जो पठन से संबंधित होती है ये नेचुरल है, ये आपका वोकल सिस्टम से, यानी कि अगर बच्चे की जो है कोई भी डायरेक्टली उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो आपकी डिसलेक्सिया है। लेकिन ये अलेक्सिया क्या है, अलेक्सिया तब होता है जब मस्तिष्क में कोई क्षति हो जाए, मतलब कोई एक्सीडेंटली चोट लग जाए या बच्चा गिर जाए तो उसके माइंड में अगर उसके ब्रेन में कोई क्षति हो जाए और वो वाला पार्ट से क्षति हो जहां से भाषा का विकास होता है, उस क्षति के कारण अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं अलेक्सिया। ठीक है, तो अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे अलग। ठीक है, क्योंकि ये तो आप समझ गए हैं। अप्रेक्सिया जो होता है वो आपका गामा कौशल से संबंधित होता है, मतलब बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होती है, भागने दौड़ने में, उठने बैठने में भी उसको समस्या होती है। डिस्थीमिया जो होता है वो आपका तनाव से संबंधित होता है। डिसमॉर्फिया आपका भ्रम से संबंधित होता है, भ्रम इस टाइप का होता है कि अपने ही बारे में अजीब सी सोच होती है लोग, मतलब उस व्यक्ति की जिसके अंदर ये अक्षमता होती है। तनाव से संबंधित जो डिस्थीमिया है इसमें ज्यादातर स्ट्रेस्ड मूड रहता है, मतलब मूड डिसऑर्डर हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो है व्यक्ति अपने आप से ही तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, प्रॉब्लम कोई नहीं होती, बस ऐसे ही अपने आप से ही उसका मूड ही ऐसा रहता है, ये एक तरह की अक्षमता है। अब आते हैं इसकी ट्रिक पे। देखिए कौन सी, मतलब ये हम समझ तो जाते हैं लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए आपको अलेक्सा दे दिया, आपको याद ही नहीं आ रहा कि पठन से संबंधित है या भाषा से या गणित से, तो उसको याद रखने की यहाँ पे एक सिंपल से ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको, जो कि बहुत ही एक काव्य पंक्ति की तरह है जो मैंने खुद बनाई है। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव, बस इसको एक दो बार रट लो काम पूरा हो जाएगा। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। अब इससे कैसे इसको याद रखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका ला है, यानी कि ला से आएगा आपका लेक्सिया, क्या आएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है,
अब डिसलेक्सिया नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, प, तो प से है आपका पठन, यानी कि डिसलेक्सिया जो है वो पठन से संबंधित है शुरू में ही, ठीक है। आगे आते हैं, अगला वर्ड है आपका ग, तो ग से होता है ग्राफिया, यानी कि डिसग्राफिया, ठीक है, बिल्कुल नोट करते चलेंगे एक एक पॉइंट को, डिसग्राफिया। और उसका नेक्स्ट है ला, यानी कि लेखन, ला से आएगा लेखन, तो डिसग्राफिया जो है वो किससे संबंधित हो गया आपका, लिखने से संबंधित। आगे क्या है आपका, आगे आपका क, का से आएगा आपका कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया। अगला वर्ड क्या है आपका ग, तो यहाँ पे ग से क्या जाएगा आपका गणित, तो जो आपका डिसकैलकुलिया है वो किससे संबंधित हो गया आपका, गणित से संबंधित। आगे क्या है, अफेजिया, यानी कि इसमें देखिए फा रहा है, फा से हो गया फेजिया, तो अफेजिया। आगे क्या है आपका, अगला शब्द है आपका भा, तो भा से हो गया आपका भाषा, यहां से भाषा लिया हमने, तो अफेजिया किससे संबंधित हो गया आपका, भाषा से संबंधित। अलग से पठन से ही संबंधित है, इसलिए इसको हमने उसमें रखा ही नहीं है ट्रिक के अंदर, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि पठन से हो रहा है वो। आगे क्या है आपका, पा है, तो पा से आ जाएगा आपका प्रेक्सिया, यानी के यहां पे अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, गा है, तो गा से है गामक कौशल, गामक, तो अप्रेक्स है जो किससे संबंधित होता है आपका, गामक कौशल से आपका संबंधित होता है। आगे वर्ड है आपका था, था से हो जाएगा आपका थीमिया, यानी के डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया किससे संबंधित है, अगला वर्ड है आपका ता, इसी के अंदर है तनाव, तो आपका जो है डिस्थीमिया किससे संबंधित हो गया, तनाव से संबंधित। नहीं को हम छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। डिसमोर्फिया, आगे क्या है, मोरे, मोरे से मोर ले लो, मोर्फिया, डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया। आगे क्या है, भाव, भाव से ले लेंगे हम भ्रम, तो डिसमोर्फिया किससे संबंधित हो गया आपका, भ्रम से संबंधित हो गया। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, एक लाइन अगर आपको याद होगी तो वो आपको हमेशा ही ये सब चीजें याद रहेंगी, नहीं भूल पाएंगे। अब आगे हम बहुत ही, मैं आपको ऐसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन या पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको सीटेट में 100% देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको देखते जरूर रहें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ। अगर आपको उसके डिटेल्स नोट्स चाहिए और शॉर्टकट ट्रिक्स वाले नोट्स चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ले चुके हैं, नोट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हम कराते हैं, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे 8532855503 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है अपने सब्जेक्ट लिख के, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ के थ्रू। उसका आपको पेमेंट मतलब पेड है वो नोट्स, तो वहां पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी, पेमेंट कैसे करना है, कैसे नोट्स मिलेंगे, वो सब चीजें। लेकिन नोट्स आपको सभी को ले लेने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमाल के नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स है और इतने जबरदस्त हैं कि अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं पिछले सीटेट में भी 100% का रिजल्ट रहा है, सबका पास हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत जबरदस्त कंटेंट है। उसके बाद आपको कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सिलेबस आपका इसी से हो जाएगा, बस साथ में आप क्लासेस और वीडियोस हमारे देखते रहें, 100% इस बार जो है आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे के समाजीकरण में प्रथम भूमिका किसकी होती है या सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक भूमिका किसकी होती है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप 2011 से अब तक के 2019 तक के कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वो अलग बात है कि इसके शब्द चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर रहेगा और आपका जो है कॉन्सेप्ट यही रहेगा। रट्टा मार लो बिल्कुल, इसको देखो, बहुत आसान से ट्रिक बता रहा हूं आपको। यहाँ पे बच्चे का जो समाजीकरण होता है यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट, आपको इसको मान लो सिंपल से, समाजीकरण का मैं अभी आगे आपको बताऊंगा अर्थ, वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन आप इसको सामाजिक विकास मानो सिंपल सा। तो सामाजिक विकास में जो सबसे पहली भूमिका होती है वो होती है परिवार की, यानी कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा पैदा हुआ तभी से उसका जो है सामाजिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें सबसे पहली भूमिका किसकी होगी भाई, जो परिवार में उसके लोग हैं, जिनसे भी बच्चा मिल रहा है उन्हीं की होगी। बच्चा अपने माता पिता से सीखेगा, भाई बहन से सीखेगा, जिससे भी चाचा चाची जो भी घर में होंगे। उसके बाद बच्चा जो है जब थोड़ा सा चलने लगता है या बड़ा हो जाता है तो वो समाज में जाने लगता है अपने आस पड़ोस में, तो उसके बाद अपना आस पड़ोस होता है उसका, तो उसका पास पड़ोस, उसका परिवार जो है वो प्रथम भूमिका निभाते हैं, उसी को मुख्य भूमिका कहते हैं हम। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है बिल्कुल सिंपल वे में कि सामाजिकरण में प्रथम भूमिका किसकी होगी, तो परिवार एवं पास पड़ोस की होगी भाई, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ।
अब इसमें कभी कभी खाली परिवार दिया होगा आपको, पास पड़ोस नहीं भी होगा, और कभी कभी दोनों को एक साथ भी दे सकता है। गौण भूमिका, गौण का वर्ड ये याद रखना, ये शब्द याद रखना, कई बार पूछता है वो बच्चे के समाजीकरण में गौण भूमिका किसकी होती है, गौण का मतलब ही नहीं पता होता है तो आंसर कैसे करोगे। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी या द्वितीयक, क्लियर, वो होती है आपके विद्यालय की, क्योंकि बच्चा जो है पास पड़ोस में और अपने माता पिता से सीखने के बाद जाता है विद्यालय में, विद्यालय में ही उसका सामाजिक विकास पर डेवलप होता है, टीचर्स से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, सामाजिक एक्टिविटीज होती है, समूह में एक साथ काम करते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो सामाजिक विकास उसका स्कूल में होता है। तो सेकेंड नंबर पे आता है आपका स्कूल, उसके बाद आपका मीडिया आता है, क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना है, पहले नहीं था लेकिन आजकल बहुत है, एजुकेशन भी मीडिया के द्वारा दी जा रही है आपकी, जैसे कि अभी आप जो है क्लास देख रहे हैं वो भी मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें एक चीज और बता दूं मैं, जो कि शायद ही आपको कोई ना बता पाए और किसी ने ये बात सोची भी नहीं होगी। देखिए ये जो है हर साल जिस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है, तो एक बार वो पूछता है आपसे प्रथम भूमिका, नेक्स्ट जो पेपर आएगा वो पूछेगा आपसे द्वितीयक भूमिका, तीसरा जब पेपर आएगा तो फिर से वो पूछेगा प्रथम भूमिका, और जब चौथा पेपर आएगा तो वो पूछेगा द्वितीयक। तो इस बार जो लास्ट पेपर आया था उसमें आपसे पूछी गई थी सेकेंडरी वाली, कि यहाँ पे जो है सामाजिकरण में द्वितीयक भूमिका किसकी होती है, और उसमें ऑप्शन भी यही था विद्यालय में मीडिया। तो इस बार जो आपका पेपर आने वाला है उसमें आपकी प्रथम भूमिका पूछी जाएगी, इस चीज को नोट करना, याद आप दोनों रखना, लेकिन उसके चांसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही कह सकते हैं हम इसको, तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कौन सी अवस्था में सबसे तेज गति से होता है, ये सबसे संवेदनशील अवस्था भी हम इसको कहते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे तेज गति से जो डेवलपमेंट होता है वो आपका शेष अवस्था में होता है, जो जीरो से यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें कभी कभी प्रथम बाल्यावस्था भी इंक्लूड करता है, क्योंकि प्रथम बाल्यावस्था मैंने आपको भी जब साइकोलॉजी का पहला लेक्चर हुआ था तो उसमें विकास में बताया था कि 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसी को हम प्रथम बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि आपकी शेष अवस्था के अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था जो है वो आपकी शेष अवस्था है। तो कभी कभी ऑप्शन इस तरह से बनाएगा कि शेष अवस्था और प्रथम बाल्यावस्था, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। मेन ये याद रखना है आपको कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसमें विकास सबसे तेज होता है, तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, क्या है वो ये पूछेगा कि कौन सा डेवलपमेंट या कौन सा विकास आपका ऐसा है जो सभी विकास की मूल जड़ है या आधार है। शर्त भी मैं पहली शर्त भी कह सकते हैं, एक वर्ड यूज करता है आधार, कि सभी प्रकार के विकास का आधार कौन सा विकास है। तो शारीरिक विकास जो है वो सभी प्रकार के विकास का आधार है, चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे लेकिन आएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन वो बता क्या रहा है या पूछ क्या रहा है, क्यों है ये भी समझ लेते हैं। वो इसलिए है क्योंकि अगर आपका शारीरिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास ही अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो उसके बाकी के विकास भी अच्छे से नहीं हो पाते। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ डेवलप नहीं हुआ, उसकी जो है रेंज डेवलप नहीं हुई या उसकी ग्रिप डेवलप नहीं हुई, तो वो लिख नहीं पाएगा, है ना, वो जो है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं पाएगा ठीक से, खा नहीं पाएगा ठीक से, तो उसमें क्या होगा, उसका जो है बाकी की जो डेवलपमेंट है वो भी रुक रहे हैं या उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज को समझिए कि शारीरिक विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी विकास के लिए, ठीक है। बाकी डिटेल्स में बातें लेक्चर वीडियोज में होती ही रहेंगी, यहाँ पे मुख्य बिंदु हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपका मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जिसमें से एक नहीं बल्कि 2 या 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, बाकी आंसर आप खुद से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि समावेशी शिक्षा जो है वो एक शिक्षा का एक हम कह सकते हैं प्रीव्यू है, या एक हम ऐसे कह सकते हैं कि ढांचा है एक, जिसके अंदर सभी प्रकार के बच्चों को बराबर की शिक्षा देने का अधिकार है या हक है, चाहे वो बच्चा स्पेशल हो, विशेष बच्चा हो, विकलांग बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, या फिर एक पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, या एक वंचित बच्चा हो, या बुद्धिमान बच्चा हो, कैसा भी हो, सभी को एक साथ इकट्ठा करके बराबर की शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसके अंदर आप जो है ये कानून भी है, अब तो कानून बन चुके हैं कि आप जो है किसी भी बच्चे को विद्यालय में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। अगर एक रेगुलर स्कूल है यानी कि सामान्य विद्यालय है और एक विशेष बच्चा आपके लिए एडमिशन के लिए आता है आपके पास, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, आप उसका एडमिशन भी लोगे और उसको एजुकेशन भी दोगे बराबर उसी क्लास में उसी सिलेबस से, हालांकि उसके लिए TLM यूज होगा अलग तरीके से, वो एक अलग बात होगी, है ना। तो ये आपकी समावेशी शिक्षा। उसके बाद बात करते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा की।
देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब आप सब अब तक समझ गए होंगे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो ऐसा पॉइंट हो गया जिसको हम बार 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 रिपीट करते ही रहते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पे ही आपकी सारी की सारी एजुकेशन डिपेंड है आज के जमाने में। आजकल जो है बालक को ही वरीयता दी जाती है, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही शिक्षा को बदला जाता है या शिक्षा का ढांचा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है वो आपका किस किस तरह से, मतलब पॉइंट आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर रखे हुए, या आपको कौन से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो बच्चे का वैल्यू होती है वो क्या होती है कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। बच्चा केंद्र बिंदु होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए। बच्चे को आप जो है जबरदस्ती नहीं करवाएंगे कोई भी काम, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे किसी भी काम करने के लिए। स्वअनुशासित होना चाहिए, यानी कि बच्चे को आप मार के दंड दे के अनुशासन में नहीं लाएंगे, बल्कि उसको सिखाएंगे कि अनुशासन में कैसे रहा जाता है, ठीक है, क्यों रहा जाए। चिंता मुक्त होना चाहिए बच्चा आपका, बिल्कुल भी उसको टेंशन नहीं देनी है, स्ट्रेस नहीं देना है। प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए बच्चा आपका, प्रसन्न रहे, आपका बच्चा खुश रहे कक्षा में, उसको ऐसा माहौल दीजिए ताकि वो सीख सके। सहभागी हो, सबसे मेन पॉइंट सहभागी और सक्रियता, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि बच्चा जो है आपकी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आपके कक्षा में 15 बच्चे हैं तो 14 नहीं बल्कि 15 के 15 ही एक्टिव होने चाहिए, तब आपकी बाल केंद्रित शिक्षा बनेगी। अगर आपका एक भी बच्चा छूट गया है और 14 बच्चे एक्टिव हैं तो आप बाल केंद्रित शिक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य भूमिका होती है बच्चे की, आज अब जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें मुख्य भूमिका बालक की मानी जाती है। शिक्षक के बारे में अगर क्वेश्चन बनेगा तो कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। बच्चे शिक्षक जो होता है वो निर्देशक के रूप में काम करता है, इंस्ट्रक्टर। गौण भूमिका होती है, यानी कि द्वितीयक भूमिका होती है, प्रथम तो बालक की हो गई, द्वितीय पे आता है टीचर। अब सहायता करने वाला होता है, यानी कि बच्चे का सहायता करेगा। मार्गदर्शक होता है, आदर्श है, आदर्श का मतलब होता है जिसको देख के सीखा जाए या जो हमारा रोल मॉडल होता है। तो टीचर को देख के बच्चे सीखते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए शिक्षक को हमेशा जो है अपना आदर्श रूप अच्छे से रखना चाहिए अपने आप को। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को जानना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे का डेवलपमेंट आप कर पाएंगे एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। तो इन पॉइंट को नोट कीजिए, बाकी और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल डायरेक्टली बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के, बिल्कुल डायरेक्टली ही मैंने पॉइंट लिखे हैं। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पे 7th नंबर पे, भाषा विकास की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है या अवस्था कौन सी है। तो इसका सीधा सा आंसर होता है शेष अवस्था, जो कि आपका जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो शेष अवस्था में जो है भाषा विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, और यही एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। अगर इसको पार कर जाता है बच्चा इस अवस्था को और लैंग्वेज डेवलपमेंट तब तक नहीं हुआ, तो उसके बाद उसका जो है भाषा विकास होना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है जिसमें बच्चा भाषा विकास बहुत तेजी से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जेंडर पक्षपात या लैंगिक मुद्दे। तो इससे बहुत सारा जो है, मतलब क्वेश्चन इसका हर साल आएगा, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी कभी 1 भी आता है। तो मतलब एवरेजन 2 क्वेश्चन मान के चलो आप, पिछले 2019 वाले में 2 क्वेश्चन आपके आए थे। तो जेंडर पक्षपात से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसका कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो सिंपल सा एक लाइन बता रहा हूं मैं आपको जो आपकी हर जगह काम करेगी, स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की, यानी कि मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस करना या कोई भी नकारात्मक पॉइंट आपकी लैंगिक रूढ़िबद्धता है या लैंगिक पक्षपात है 100%। ऐसा है ही नहीं कि कोई चीज में भी हम ये कह दें कि भाई ये लड़कियों के लिए है और ये लड़कों के लिए है। कोई काम हो, कोई पढ़ाई हो या कोई अधिकार हो, कोई भी चीज हो, उसमें कहीं भी अगर नकारात्मक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर बहुत सारे आप लोग भी, मतलब मैंने खुद कमेंट्स पढ़ी हैं लाइव में कुछ लोग कमेंट मैंने पढ़ी है कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, लड़कों का मैथ अच्छा होता है। जब मैथ की क्लास में कराता हूं तो वहां पर मैंने कमेंट पढ़ी, सर जी हमारा, मतलब लड़की की कमेंट थी कि हमारा मैथ इसलिए कमजोर है क्योंकि हम लड़की हैं। मतलब आप टीचर बनने जा रहे हो और आपकी ये लाइन पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ कि आप ही इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वजह ये होती है कि लड़कियां जो हैं छोटी क्लासेस के बाद ही मैथ को छोड़ देती हैं, वो वरीयता नहीं देती कि हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरी साइड जा रहे हैं, आर्ट साइड में चले गए हैं या दूसरी साइड में चले गए हैं। तो जब आप मैथ पढ़ा ही नहीं आपने तो कमजोर तो रहेगा, चाहे वो लड़का हो। अब भाई जो लड़के 8th क्लास के बाद मैथ छोड़ देते हैं कि आगे हम मैथ नहीं पढ़ना चाह रहे, तो उनका मैथ भी कमजोर रहेगा। अब कोई लड़की बीएससी कर रही है मैथ से और लड़के ने हाई स्कूल में मैथ छोड़ दिया, तो कौन इंटेलिजेंट रहेगा मैथ में, भाई लड़का या लड़की? लड़की उससे आगे है लड़के से, तो यहाँ पे क्या कहोगे आप?
सीधी सी बात है। तो ये वजह ये है कि आपने उसको कितना सीरियस लिया है, कितना पढ़ा है। वजह ये नहीं है कि आप लड़का है या लड़की है। तो इसलिए कोई भी नकारात्मक पॉइंट अगर आप आए, या हम ये कहें कि फुटबॉल तो लड़के ही खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव पॉइंट है, रूढ़िबद्धता है। या हम ये कहें कि जो नृत्य होता है, नाचना गाना जो होता है, वो लड़कियां अच्छा कर सकती हैं, लड़के कम कर सकते हैं, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। सॉरी, क्योंकि जो है आज के टाइम में आपने खुद ही देखा होगा कि सिंगर्स में, डांसर्स में लड़के लड़कियां कोई भी कम नहीं है, सब बराबर हैं और हर फील्ड में बराबर है। तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट अगर आपको देखने को मिलता है तो वो रूढ़िबद्धता है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी आंसर आप फटाक से सॉल्व कर दोगे खुद से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है स्कैफोल्डिंग। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, इस बार जो है सेकंड पेपर में भी आया, फर्स्ट में भी आया, साइंस वालों का, एसएसटी वालों का, हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, और दो दो मिले हैं, एक नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन। अब ये होता क्या है, यहाँ पे नया वर्ड उसने यूज किया था, ये वाला पाड़, जो मेरे लिए भी नया था। पाड़ वर्ड मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था, पाड़, ये मतलब अजीब सा वर्ड इस बार उसने यूज किया है। इसमें हम स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं, या सहारा देना। ठीक है, तो इसका फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब किसी बच्चे को हमने कोई काम करने के लिए दिया है, या कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए मैथ का कोई सवाल दे दिया उसको, और उसमें उसको कुछ आता है लेकिन उसको वो कर नहीं पा रहा है, और उसको जब टीचर या कोई भी उसका बहन भाई या कोई भी बड़ा व्यक्ति उसको सहारा देता है, हिंट देता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपको कोई क्वेश्चन दिया लाइव में और उसमें मैंने आपको हिंट दे दिया, भाई ये पॉइंट है, बताओ अब यहां से सोचो इसको, इस पॉइंट के बाद जो है क्या आंसर हो सकता है। तो जो हिंट दे रहे हैं या सहारा दे रहे हैं उसी को इसका फोल्डिंग कहते हैं, मतलब सहारा देना। किसी भी, अगर छोटा बच्चा किसी काम में उलझ रहा है या किसी सवाल में उलझ रहा है और उसको बड़ा व्यक्ति जो है उसकी मदद कर रहा है या सहारा दे रहा है, तो उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब उसने नया वर्ड यूज किया था, पाड़ या ढांचा। अब ये ऑप्शन में रखा हुआ है, भाई समझ ही नहीं पा रहा यार, इसमें सहारा देना तो कहीं है नहीं, अब ये वर्ड हमें समझ नहीं आ रहा। तो वहां पे क्या करा हमने देखा जो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, तो इंग्लिश में देखा तो वहां पे स्कैफोल्डिंग लिखा हुआ था, अरे यार ये स्कैफोल्डिंग है, तब समझ आया। तो कभी कभी अगर हिंदी वाले वर्ड समझ ना आए तो इंग्लिश की तरफ भी झांक लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, हिंदी वालों को बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सामाजिकरण के बारे में कई बार पूछता है कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है, सामाजिकरण का मतलब क्या है। तो भाई समाज के नियम जो होते हैं, या जो भी संस्कृति है आपकी, मापदंड है समाज में, जो भी रूल्स चल रहे हैं, उनके साथ में समायोजन या अनुकूलन कर लेना ही समाजिकरण होता है। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्ड आपको मिलेंगे, आपका क्वेश्चन जब भी बनेगा, और आज तक जितनी बार भी आया है वहां पे दो ही वर्ड मिलेंगे, एक तो समायोजन, एक अनुकूलन, या इंग्लिश में बात करें तो एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे ये लिख दे वो ऑप्शन में कि समाज के मापदंडों को सीख लेना समाजीकरण है, तो गलत है ऑप्शन, बिल्कुल गलत है। यह समझ लेना कि समाज के मापदंडों को समझ लेना, सीख लेना, याद कर लेना, बिल्कुल गलत है। उनके साथ में अनुकूलन कर लेना, ये होता है समाजीकरण, यानी कि हमने उसके साथ में रहना सीख लिया है, समाज के नियम जो है उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है पोर्टफोलियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका बहुत बार पूछा जाता है, कभी हिंदी पैडागोजी में, कभी ईवीएस पैडागोजी में, कभी साइकोलॉजी में पूछ लेता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल कह सकते हैं हम, एक तरह के डॉक्यूमेंट हम उसको कह सकते हैं, रजिस्टर भी मैं उसको कह सकता हूं, या बैग उसको कह सकता हूं, सूटकेस कह सकता हूं, कुछ भी मान लो। तो उसका मतलब क्या है, जो बच्चे के जो प्रमाण पत्र कह सकते हैं, या बच्चे के जो रिकॉर्ड पत्र होते हैं, जैसे कि हमने बच्चे से कोई टेस्ट लिया, बच्चे का एडमिशन हुआ, एक महीने बाद हमने उससे कोई टेस्ट लिया, गणित का ही मान लिया मैंने, एक टेस्ट लिया, उसमें उसके 10 नंबर में से 6 नंबर आए हैं, उसके बाद मैंने उसको इकट्ठा करके रखा, मैंने 3 महीने बाद फिर से उसका टेस्ट लिया, तो इस बार 10 में से 8 नंबर आए हैं उसके, अगली बार मैंने उसका जब तीसरा टेस्ट लिया तो 10 में से 9 नंबर आए, तो उसका मुझे पता चल रहा है कि इसका पहले महीने में क्या था, दूसरे महीने में कितना था, और 6 महीने के बाद इसका जो है स्तर कहाँ पहुंचा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं, बच्चे से कोई फूल पत्ती बनाई, कोई ड्राइंग बनवाई, उसको हमने फाइल में इकट्ठा किया, बच्चे का नाम, पता, एड्रेस वगैरह सारी चीजें, उसका आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है, उसको हम एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं, ताकि हम लास्ट में ईयर के बाद उसको देख सकें कि बच्चे का रिकॉर्ड क्या था, कि उस वो कहाँ से था, किस लेवल पे था, हमने उसको कितना सुधारा है, बच्चे ने कौन कौन सी एक्टिविटीज की, कितना लेवल पे पहुंचा है बच्चा। तो वो जो सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमने संभाल के एक फाइल के अंदर रखा है, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो, और ये हमारे मूल्यांकन में बहुत ज्यादा मदद करता है। बहुत ज्यादा क्या, मैं कहूँ 99% पोर्टफोलियो ही मदद करता है। अगर आपके पास जो है
ईयर के एंड में माता पिता आते हैं कि भाई हमारे बच्चे का आप बताओ आप क्या स्तर है, या बच्चे ने हमारे पूरे साल क्या किया है, या बच्चे ने हमारे कितना डेवलपमेंट किया है, कितनी प्रगति की है, तो कैसे बताओगे? अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे बताओगे? तो आप क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो उठाते हैं, चेक करते हैं, उसके आधार पर उनसे बता सकते हो कि आप बच्चा यहाँ यहाँ इतना था, अब इस लेवल पे है, अब इस लेवल पे है, अब यहाँ तक पहुंचा है। तो ये जो रिकॉर्ड है आप जो इकट्ठे करके रखते हैं उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो, और ये मूल्यांकन में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बनता है कि प्राथमिक कक्षा का बच्चा है उसको मूल्यांकन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, या किसके द्वारा आप मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन में आपको कई सारी चीजें दी होंगी, वहां पे एक ऑप्शन पोर्टफोलियो भी होगा, तो वहां पे आंसर आपका पोर्टफोलियो राइट हो जाएगा। अगर इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो पोर्टफोलियो की मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें लाभ हानि वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें, मतलब वो पूरा लेक्चर वीडियो है। तो डीपली अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना पोर्टफोलियो एस टीचर अकेडमी, वो पहले ही वीडियो आ जाएगी, देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बहुभाषिकता या भाषा विविधता, ये आपका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आपके हर साल बनते हैं। इसमें क्या है, अभी के अभी पॉइंट क्लियर कर देता हूं, आपका अगर क्वेश्चन आ जाए बहुभाषिकता का या भाषा विविधता का तो उसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं जो राइट होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इन 3 ऑप्शन में से जो मैंने यहां लिखा है उनमें से 1 ऑप्शन ये होगा, या 3 ये होंगे, चौथा अलग होगा जो कि आपका निगेटिव पूछा जाएगा कि इन 4 में से गलत कौन सा है वो बताइए, तो 3 ये छोड़ के जो होगा अलग उसको गलत लगा देना। देखिए क्या है, भाषा विविधता जो है संसाधन के रूप में कार्य करती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, और जो बच्चा 1 से ज्यादा भाषाओं को जानता है उसका संज्ञानात्मक विकास भी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होता है, पॉइंट नोट। तीसरा पॉइंट है बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है, बहुभाषिकता जो है जब बच्चा 1 से ज्यादा भाषाएं जानता है तो उसका अधिगम 3 होता है, सीधी बात है, सिंपल। तो ये 3 पॉइंट नोट करो, इन 3 के अलावा कोई पॉइंट ही आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस क्वेश्चन में आ जाए, इन 3 पॉइंट में से जहां भी कोई पॉइंट मिले उसी को सही आंसर लगा के आ जाना, आपका जो है क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है आपका जेंडर के बारे में, सिंपल से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही नहीं बनता, खाली क्वेश्चन में जेंडर लिखा होगा, डैश मारा होगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, सामाजिक संरचना है या फिर लैंगिक संरचना है या फिर बायोलॉजी, मतलब क्या कहते हैं हिंदी में बायोलॉजी को, जीव वैज्ञानिक संरचना है, इस तरह से आपको दिया होगा, तो वहां पे सिंपल सा एक पॉइंट दिया होगा, एक सामाजिक संरचना है। पिछला पेपर उठा के देख लो वहां भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 को उठा के देख लो वहां भी आया हुआ है, सिंपल से क्वेश्चन यही बनता है, लिंग या जेंडर जो है क्या है, एक सामाजिक संरचना है, याद रखो, एक पॉइंट यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो लो, आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूं कहूं कि सीटेट में अगर ना आइए तो बहुत ही मतलब ऐसा होगा कि नामुमकिन बात है। अभी तक के जितने भी सीटेट आए हैं सभी में ये टॉपिक्स आते रहे हैं, बल्कि मैं जितने भी आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको थंबनेल पे इसीलिए लिखा था कि पूरे पूरे ये सारे टॉपिक्स या पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे, और ये आपकी सफलता में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब ये दोनों जो है एक अलग अलग प्रोसीजर है, या दोनों जो हम कहें वो अलग अलग हैं, जो कि एक ही साथ जुड़ के टीचिंग को पूरा करते हैं। अब इनका अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए, निदानात्मक जो है वो परीक्षण है, तो इसमें एक वर्ड दिया है उन्होंने निदान, निदान से बना है आपका निदानात्मक, जिसको हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। जैसे कि निदान का मतलब होता है पहचान करना, किसी भी चीज को पहचान लेना, सिंपल आपको एक अर्थ बता रहा हूँ। जैसे कि डायग्नोस का मतलब भी पहचान करना होता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी होगी तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं शुरू में। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब यही होता है कि जो आपकी बीमारी है उसका पता लगाएं वो कि आपको रियल में बीमारी क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार है, आप बुखार जो है वो मलेरिया से हुआ है या टाइफाइड से हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो टेस्ट के बाद पता चलेगा। तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं ताकि आपकी बीमारी का पता लगाया जा सके, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि टीचिंग में जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे की अगर कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, या बच्चों को कोई कठिनाई हो रही है, बच्चों को कोई समस्या आ रही है किसी भी चीज को करने में, उसका पता लगाना जो होता है वही आपका निदानात्मक परीक्षण होता है, सिंपल है। यानी कि एक तरह का परीक्षण है, ये एक तरह का टेस्ट है जो हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि क्या बच्चे ने सब चीजें सीख ली है या कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है। और इजी लैंग्वेज में आते हैं कि मैंने जो है एक पार्ट पढ़ाया बच्चे को या एक टॉपिक पढ़ाया बच्चे को, सभी बच्चों को, अब मुझे ये जानना है कि क्या बच्चों ने वो चीज सीख ली है या कोई कमी रह गई है उसके बीच में।
तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेस्ट लूंगा बच्चों का, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितने परसेंट सीख लिया है। यानी कि 10 में से अगर 6 अंक बच्चा ला रहा है, इसका मतलब 60% बच्चे ने सीख लिया है, 40% अभी भी बाकी है। वो टेस्ट करने का तरीका आपका लिखित है, मौखिक है, प्रैक्टिकल है, कुछ भी है, वो तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे टेस्ट लेना चाहो लो। लेकिन आपको पता लगाना है कि बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है या कहाँ परेशानी आ रही है, उसका पता लगा लेना ही क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, निदानात्मक परीक्षण है। अब हमने पता लगा लिया है, अब क्या करना पड़ेगा, अब उस चीज को, उस कमी को दूर भी तो करना है। तो जब हम उस चीज को दोबारा दूर करने के लिए पढ़ाते हैं, यानी कि उस कमी को, उस त्रुटि को दूर करते हैं, तो उसको दूर करना ही आपका कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। क्लियर है? देखो मैंने लिखा है, उन कमियों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। उपचार से बना है उपचारात्मक। उपचार का मतलब होता है ठीक करना। यानी कि जैसे कि डॉक्टर ने आपका परीक्षण तो कर लिया, निदान तो कर लिया बीमारी का, अब उसको ठीक भी करेगा, उपचार करेगा, है ना, बाद में, लेकिन पहले पता लगाया जाता है। तो भाई वही सिस्टम है कि बच्चे को अगर हमने कोई पढ़ा दिया है, बच्चे को कोई समस्या है, तो पहले उस समस्या का पता लगाएंगे, उसके बाद में उस समस्या को दूर करेंगे। क्लियर है टॉपिक? क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते इससे, बस सिंपल सा ही पूछेगा आपका कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या जरूरी है। तो भाई उपचारात्मक शिक्षण अगर सही रूप से करना है तो निदानात्मक परीक्षण जरूरी है। कभी कभी ये पूछेगा कि उपचारात्मक शिक्षण से पहले कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, तो बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है, ये क्यों आवश्यक है, बच्चे की जो कमियां हैं, त्रुटियां, उनको दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मक्खन क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, अब आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से पूछता है कि विकास के मुख्य बिंदु, मुख्य आयाम कौन से हैं, या विकास को किन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, किन मुख्य आयामों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन में आपके दिए होंगे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो होते हैं ये मेजर होते हैं, इनके अलावा जो होते हैं बाकी के वो सेकेंडरी आते हैं, लेकिन मेन मेजर ये है, इनका विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को एक सामाजिक जीवन जीने के लिए। तो मुख्य आयाम ये होते हैं। क्लियर है? देखिए, तो यहाँ पे हमने जो बात की है अभी तक के 15 पॉइंट हम कर चुके हैं, और ये 15 पॉइंट में से कम 20-25 नंबर का आपको फंसेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट से कई कई क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से एक ही क्वेश्चन, जैसे कि समावेशी शिक्षा की बात की, उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर निदानात्मक परीक्षण की बात करें, इसमें से भी 2-3 आ जाते हैं। तो कई पॉइंट ऐसे हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, जिनसे कई कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इनमें से 15 पॉइंट में से कम 20-25 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके जो है सभी लोग नोट्स जरूर ले लेना। नोट्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है 8532855503। वहां पे आपको कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, वो सब चीजें वहीं बता दी जाएंगी। लेकिन नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ाई ज्यादा करनी है। बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी लंबी खोजते ही रह जाओगे आप बुक्स में उलझ के। वो नोट्स ही आपके कम से कम 30-40 के बीच में बुक्स इकट्ठा करके, उनसे निचोड़ करके, कुछ अपने एक्सपीरियंस ऐड करके तब नोट्स बनाए गए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, तो अब सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, फटाफट से सब लोग नोट्स लो और साथ में क्लासेस करो। इस बार आपकी गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप साथ में फॉलो अप करते रहे सब चीजों को, तो आपका सीटेट 100% निकलवा के रहूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट का आप बिल्कुल इंतजार करें। अब नेक्स्ट पार्ट आपको जब मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर खोए ना तो आपको डायरेक्टली सर्च करना होगा। मैं आपको बता देता हूं टाइटल क्या लिखना है, सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी, आगे लिखना है 2021 और पार्ट टू लिख देना बस, ठीक है, पार्ट टू सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी 2021, क्योंकि अब सीटेट जो है वो 2021 में ही होगा, तो हम हर वीडियो में सीटेट 2021 को ही वरीयता देंगे। 20 हो गया आपका खत्म, ठीक है। अब आपका पार्ट टू आपको लिखना है आगे, ये आपका पार्ट वन है, पार्ट टू लिख के आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो आपको देखनी है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो और है आपकी इसी टाइप की, पिछले साल मैंने बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, बहुत धमाकेदार वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहें तो, बल्कि देखना नहीं, देखनी ही चाहिए उसको। आप सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी यही लिख देना, या लिख देना संपूर्ण सीटेट ये लिख देना बस, वीडियो आपके ऊपर ही मिल जाएगी। एक घंटे की वीडियो है, बहुत धमाकेदार वीडियो है, जरूर देखें। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, लाइक शेयर जरूर करते रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो, कोई कमी है या आपके लिए आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।